टिप्रा जी कह रहे हैं, संदीप जी ये डैश डेयर आपके लिए बहुत ही खराब बोल रहा है, आपको तो इसका वीडियो जारी कर देना चाहिए। मुझे तो ये आदमी, आप क्यों देख रही हो उसको पागल को? कुछ लोग बड़बड़ाने के लिए होते हैं, बड़बड़ाने दीजिए, क्या फायदा उसको देख के अपने मन में शांति से उसको बड़बड़ाने दीजिए। इसका मतलब मिर्ची उसके अंदर तक लगी है, एकदम लहरता हुआ मिर्ची लगा हुआ है, और वो आरएसएस का चप्पल उठाने वाला है। अब चप्पल उठाने वाले को मालिक ने कहा है, और भौंक, तेरे भौंकने से संदीप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तेरा नाम तक नहीं ले रहा, तो वो और भौंक रहा ताकि मालिक खुश हो। पर आप देखते क्यों है ऐसे लोगों को, क्या है वो? पाकिस्तान में जो जाता था, और बिना पाकिस्तान में आईएसआई आदि के बिना फंडिंग के कोई जाएगा, वहां जाते ही उनके उनके एजेंडे ले लेता है। तो कहां आप क्यों देख रहे हो, छोड़ो उन सबको, बेकार कीड़े फतंगों की बात क्यों करें। मिश्रा जी आपने तो एकदम ही मूड बना दिया। जिस तरह अखलाक के लिए लोकसभा में दुखी हुए, वो ऐसे डैश डैश एकम संतल को देखकर दुखी हो रहा है, क्या कहे। देखिए आपको सुशील प्रीति शुक्ला जी दोनों ज्योतिष तो यहाँ आ चुके हैं, और तीन ज्योतिष हमने बैच में इस पर लिया कि जो भी अधर्मी और विधर्मी होगा वो इस पार्टी से बेचैन हो जाएगा, और वो इसमें आना भी चाहेगा तो आकर भी भाग जाएगा। इसमें वही रह सकता है जो विशुद्ध सनातनी, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में पार्टी का गठन, जहां कृष्ण जी के जन्म के नक्षत्र में ये पार्टी ऐसे थोड़े बन गई है। और जब शपथ ले रहे थे तो गौ माता आई हम लोगों के पास, देसी गौ माता, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से ये पार्टी बनी है। तो विधर्मी, आपको ध्यान होगा मैं आपको रामायण की कथा सुनाता हूँ। यज्ञ होता था, और यज्ञ में मारी सुबाहु ताड़का ये सब उसमें विष्टा हड्डियां डालते थे, यज्ञ से बेचैन हो जाते थे, जैसे एकम सनातन से आज के विधर्मी बेचैन है। तो विश्वामित्र जी ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और राजा दशरथ से कहा कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस हैं, ये यज्ञ में विध्वंस करते हैं, इसलिए हमें राम चाहिए ताकि उनका वध कर सके। तो धर्म का जब काम होता है तो राक्षसी प्रवृत्तियां उसको नष्ट करने के लिए बेचैन हो जाती है। ये हमारे रामायण और महाभारत में बताया गया है, क्योंकि धर्म की जितनी यात्रा होगी राक्षस प्रवृत्तियां उतनी सिकुड़ती जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए राक्षस प्रवृत्तियां उस धर्म की यात्रा को प्रथम चरण में ध्वंस करना चाहती, ये रामायण उदाहरण है। इसलिए समझ जाइए कि धर्म की यात्रा सुबाहु ताड़का, ताड़का अपना विध्वंस, और प्रभु श्री राम यानी धर्म आज के समय में भगवान विष्णु धर्म की यात्रा को वो चलायमान बनाए रखने के लिए, तब राम रूप में थे, आज धर्म रूप में है, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए मारी सुबाहु ताड़काओं से डरने की जरूरत नहीं है, ताड़काएं नष्ट हो जाती है, ताड़काओं से मत डरो।